बस आगा भाई ये हमारे दादा भी शौक करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद मेरा अपने तौर पे फर्स्ट टाइम है शौक, तो इंशाल्लाह मैं ऐसे में ये चारे से जान छुड़वाना चाह रहा, में इतना टाइम नहीं होता कि इनको इतना टाइम दिया जाए, तो इस वजह से हम आगा सदाम पे लाना चाह रहे थे। बेशक जानवर भी तैयार करना और टाइम भी नहीं, यही सारा मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आपका जहनान जाना पहचाना नाम आगा सदाम आबाद गुजरा वाला बकरा मंडी की नस्बत से आप दोस्तों के सामने हाजिर हैं। आज दोस्तों एक नया शौक नेशकिन की छत पे मौजूद है माशाल्लाह ताला, ये इनके दादा अबू शौक करते रहे हैं, तो ये भाई का फर्स्ट टाइम शौक है, तो इन्होंने ये दो मंडी से जानवर खरीदे हैं। खरीदने के बाद ये कह रहे हैं जी हम अपना शौक करना चाह रहे हैं, तो माशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि नए शौकीनी को प्रमोट करें ताकि एक यादगार लम्हात चले, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों YouTube एक वाहद प्लेटफॉर्म है जो वीडियो को ख़त्म नहीं करता, ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि हर बंदे का शौक प्रमोट करे, हर बंदे के पास पहुँचे, ना कि वो अगर हमारा मंडा ले रहा तब भी, अगर ले रहा तो तब भी, ठीक है। तो इसी सिलसिले में आज भाई के पास हाजिर हुए हैं, ये दिखाते हैं भाई के जो जो शौक है, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आई, वनडे पर ये किस तरीके से मुंतकिल होना चाह रहे हैं, और जानवरों को क्या खुराक देना चाह रहे हैं, और सब्बचारे से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, कुछ इनके क्वेश्चन थे वो आज क्लियर करते हैं इंशाल्लाह ताला, भाई से मिलवाते हैं। चले दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये आगा सदाम मंडा दोनों ये जानवर बड़ी रगबत के साथ खा रहे हैं, तो सबसे पहले ये भाई से मिलवाते हैं। किस जगह पे मौजूद है ये जनाब? अपने ही शहर में पिछले वाला नुमानिया रोड पे मौजूद है। नुमानिया रोड पे मौजूद है। अच्छा हैदर भाई जरा अपना थोड़ा सा बताइएगा कि आप शौक में किस तरह इन हुए, शौक पहले करते रहे या नहीं करते रहे? बस आगा भाई ये हमारे दादा भी शौक करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद मेरा अपने तौर पे फर्स्ट टाइम है शौक, तो इंशाल्लाह मैं ऐसे में ये चारे से जान छुड़वाना चाह रहा, में इतना टाइम नहीं होता कि इनको इतना टाइम दिया जाए, तो इस वजह से हम आगा सदाम पे लाना चाह रहे थे। बेशक जानवर भी तैयार करना और टाइम भी नहीं, यही सारा मामला है ना। तो बाकी ये है कि दोस्तों ये भाई ने आपको सीधे अल्फाज में बता दिया। अच्छा हैदर भाई कितने अरसे से आप हमारा मंडा यूज कर रहे हैं? आगा भाई ये मुझे जानवर लाए तकरीबन 1 मंथ हो गया, तो मैंने तकरीबन आपका सैंपल के तौर पे 20 केजी का ये पैक आपका लाया था ये आगा सदाम मंडे का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक से खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। आप हैदर भाई ये जरा बताइएगा एक जानवर को आप मैक्सिमम कितना मंडा दे रहे हैं? आगा भाई तकरीबन सुबह आधा किलो 3 पा तकरीबन, और शाम टाइम तकरीबन ये हो जाता है, दोनों को इकट्ठे देते हैं किलो 1 केजी तकरीबन। आप समझ ले कि ये जो इस वक्त आपके बॉडी वेट का जानवर है 3 पा सुबह 3 पा शाम को खा रहे हैं जी आसानी के साथ जी आसानी। और ये देखे जी दोस्तों इन्होंने देखते देखते ये तसला जो ये बिल्कुल खाली इन्होंने कर दी है, तो इंशाल्लाह ताला और इसके अंदर आपको दोस्तों ये दिखाते हैं, ये हमारी नई पैकिंग है 20 केजी वाली, ठीक है। ये जितने भी पाकिस्तान में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास मौजूद है, ये आपको दिखाते हैं। ये इस वनडे के अंदर दोस्तों ये आगा सदाम एंटीबायोटिक जो ऑयल है ये इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, और साथ आपको ये दोस्तों हम दिखाते हैं ये सिरिंज भी भाई ने रखी हुई है, ये 10 cc भरते हैं और वनडे के अंदर ये मिक्स करके दे देते हैं। ये एंटीबायोटिक ऑयल है, मेदे जिगर के जितने भी मसाइल उनको ख़त्म करता है, और ये 20 किलो की भी हमारी पैकिंग अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अवेलेबल है। ये देखें तो हैदर भाई कुछ आप पहले कह रहे थे कि जो आपके दोस्त अहबाब हैं जी वो कह रहे हैं कि सबा चारा देना जरूरी है, वो कह रहे थे आगे गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो आपने वनडे पर लगा दिया तो इन्हें सबा चारा देना लाजमी। सर उनकी ना एक अपनी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह थ्योरी है। अब आपको लोगों के जेहन में ये है कि वंडा होता ही गर्म है, उनको ये नहीं पता कि हर मौसम के मुताबिक ही उनको चेंज किया जाता है। सर्दियों में हमने इसके अंदर बेशुमार गर्म चीजें डाली है, किस तरह डाला उसमें बाजरा डाला है, और उसमें दोस्तों हमने शीरा राब डाला है, ठीक हो गया, और उसके अंदर हमने मीठा तेल भी ऐड किया, ठीक है, सर्दियों की जो आइटम और गर्मियों की जो आइटम हम उसमें जो का दलिया भी ऐड कर दिया, अब गुल्ली भी ऐड कर दिया, ग्लूकोज भी और सरसों का ऑयल भी ऐड कर दिया, तो ये सर्दी गर्मी में फार्मूलेशन चेंज होती रहती है। लोगों को कंसेप्ट आज से 30-40 साल पुराना जी वंडा देने से जानवर गर्मी करता है। हाँ ये तो मुझे भी तो कोई बंदा दिखाए ना सबा चारे पे जानवर तैयार करके फिर वंडा क्यों देते, एक टाइम वंडा नहीं देते? देखते हैं जाहिर सी बात है आपके, इसीलिए तो आपके बंडे पे लगाया है माशाल्लाह जानवर का शो करने जाते हैं। हैदर भाई हर जानवर को जरूरी है जिसको तैयार करना,
सभाचार्य पर जानवर नहीं तैयार हो सकता, ठीक है, क्योंकि सभाचार्य के अंदर उनको प्रोटीन कैल्शियम नहीं मिली, वो वंडे के अंदर मिलनी है, तो इसी वजह से जानवर मेरे प्यारे भाई तैयार नहीं हो सकता। वंडा देना है तो जानवर ने तैयार होना, वनडे पे जो हमने ग्रेडियंस डाले हैं वो अब गर्मियों वाले डाले गए हैं। इसके अलावा हैदर भाई आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बिला जी चलो नहीं आगा भाई, बस ये था आपकी मेहरबानी आ रही है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपको वंडा खरीदे हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, तकरीबन 3-4 दिन हुए, अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं। पहले आप ये समझ रहे थे लेने से पहले खाएंगे कि नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे? मैं पुराना वंडा ही पड़ा था जिस तरह आपने मुझे गाइड किया था, मैं आधा किस तरह गाइड किया था वो बताएं जरा, आधा पुराना पुराना वंडा आपके पास कौन सा पड़ा था जो मार्केट में आम चलता है, थोड़ी सूड़ी चोखा वगैरह वो जो चलता है, तो किस तरीके से आपने कन्वर्ट किया जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को पता चले। पहले तकरीबन रूटीन से 15 किलो पट्टे खा रहे थे, चारा खा रहे थे, ठीक है, रात टाइम दाना डाल रहे थे मार्केट वाला, ठीक है, जिस तरह आपने गाइड किया है पट्टे इनके कम कर दिए थे, दाने में आधा दाना मार्केट वाला और आधा आपका मिक्स करके दे रहे थे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पट्टे से 15 से 10 आए, 10 से 5 आए, 5 से पट्टे खत्म कर दिए। एकदम मैंने बोला कि बंद नहीं किया, एकदम नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप हर डे पट्टे थोड़े से कम हो जाते थे और दाना जो पुराना पड़ा था मार्केट वाला आधा वो और आधा आपका मिक्स करके इसी तरह वो भी फिनिश हो गया, तो भी आपके वंडा अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खा रहे हैं। अच्छा तो इस तरीके से आपने कन्वर्ट? हाँ जी इसी तरीके से। अब आप हैदर भाई ये कहना चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये अगस्त दा वंडे पे जानवर रेडी करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब बच्चे से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, हां बस यही समझ इंशाल्लाह जी छूट जाएगा। ये जी दोस्तों दिखाते हैं ये हैदर भाई के जानवर हैं, आज आप इनकी वीडियो देख लें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में इन्हीं जानवरों की वीडियो बनेगी, इनका मैं बॉडी स्कोर भी दिखाऊंगा, हैदर भाई की छत का विजिट भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये जानवर किस तरीके से तैयार हुए हैं, इनकी रगबत किस तरह है और ये जानवरों का बॉडी वेट कितना है। आप दोस्तों ने एक माह बाद वीडियो का आगा सदाम का वेट करना है, इंशाल्लाह ताला एक माह बाद हैदर भाई की छत का दोबारा विजिट किया जाएगा और दोबारा हैदर भाई का शौक इंशाल्लाह ताला बहाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ जानवर के ये नीचे जख्म था, ये देखिए जी दोस्तों ये ना कुछ जख्म था और हैदर भाई ने जानवरों के पाँव भी बनवाए थे। अब वो दिखाते हैं कि जो हमारा दोस्तों जरासीम काश जो स्प्रे है वो हैदर भाई ने इन जानवरों के ऊपर ये देखें ये की है, ये ठीक है, ये आपको दिखा देते आगा सदाम जरासीम काश ये स्प्रे है। अच्छा हैदर भाई आपने जानवरों के नाखून बनवाए हैं जी, ये स्प्रे ने काम किया है कि नहीं किया? इसके साथ नाखून कटवाए थे इनके कल तकरीबन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका स्प्रे फौरन कर दिया था, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जो गर्दन के जो आपने बाल उतरवाए हैं उसके नीचे जख्म था? हाँ जख्म पहले से था, जब बाल उतरे तब पता लगा। अच्छा तो आपने ये स्प्रे वगैरह की है? हाँ स्प्रे किया, काफी बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी। आगे से जख्म खुश्क है? हाँ जख्म खुश्क है। चले जी अल्लाह ताला, आगे गीला रहता था अभी खुश्क हो गया, पानी वगैरह उससे निकलता था, पानी निकलता था अभी खुश्क हो गया, अभी ये स्प्रे करने से खुश्क हो गया। हाँ खुश्क हो गया। बाकी ये देखिए जी दोस्तों हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर जगह पे आपको वंडा मिल जाया करेगा, लाहौर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, फैसलाबाद भी, जिसको भी चाहिएगा आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो हैदर भाई से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हैदर भाई इंशाल्लाह ताला ये आवाम फैसला करेगी एक माह बाद, आज इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो बन रही है, उसके अगले माह विजिट भी करना है, जानवरों की ग्रोथ भी दिखानी है और उन लोगों को खास तौर पे हमने वीडियो दिखानी है जो कहते हैं जी गर्मी में जी सब चारा देना जरूरी है। अगर भाई यही होता है ना, अब आपके आपके वंडे पे कन्वर्ट किया ना, तो मेन टेंशन जो होती है मैदे की, जानवर का मैदा जो खराब हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका एंटीबायोटिक ऑयल जो रूटीन से देते रहे हैं वो इनका मैदा खराब नहीं हुआ, मोशन जो है उसी तरह मेनटेन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेट है जानवर। सही चले जी, अल्लाह ताला आपका शौक कायम रहे। बाकी दोस्तों ये हमारी मार्केट में जो ये जो प्रोडक्ट है ये देखें आगा सदाम वंडा, ये 20 kg की ये दस्तयाब है और साथ ही ये भाई आगा सदाम एंटीबायोटिक ऑयल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दे रहे हैं। एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं कि ये भाई के छत में ये चूज़ है, ये देखें ये इसके अंदर दोस्तों चना मकई खल मिल हर चीज़ डाली, ये चूज़ा भी आगे वंडा खा रही है, देखें ज़रा ये मकई वगैरह चोकर मिल रस, ठीक है, ये चूज़ा भी ये वंडा ये देखिए ये बड़ी रगबत के साथ खा रहा है, इसके अंदर मकई गुल्ली चना हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो हैदर भाई के साथ और इन दो प्यारे जानवरों के साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी रखी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। ये देखे जी आपके देखते देखते ये इन्होंने वंडा बिल्कुल ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो हैदर भाई को आगा सदाम को और आगा सदाम के जितने भी टीम मेंबर हैं उनके लिए स्पेशली आपने दुआ कर ली है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। हैदर भाई
नए शौकीनियों को आपके लिए कि क्या मैसेज है कि क्या देना चाहते हैं कि ये नबी पे गमरी शौक है जी, ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आगे भाई देखिए, ये तो कुर्बानी ऐसी चीज है सुन्नत इब्राहिमी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। ये कहा गया है कि आप जानवर से जितना प्यार करेंगे ठीक है, आपको उतना ही कुर्बानी का स्वाद ज्यादा होता है। अल्लाह ताला की जात को गोश्त खा लेनी चाहिए। हाँ, इसी तरह बात है, ऐसी है, बस जानवर से प्यार किया करें, जानवर आप भी घर में पाला करें, जितनी आप मेहनत से जितने लगन से आप जानवर पालते हैं अल्लाह ताला आपको उतना ही स्वाद देते हैं, कोई शक नहीं। बेशक, बाकी ये कि हैदर भाई हर बंदा गोश्त भी डेली खाता है, हाँ ऐसे ठीक है, लेकिन ये गोश्त की नहीं, इसका नाम है जुनून। जुनून, जुनून कह सकते हैं, ईद पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप इतना इतने माह पहले लेने की आपकी क्या रीजन है कि यार शौक है, हमें शौक पूरा कुत्तों बिल्लों से अच्छा शौक है जो नबी पे गमरी आप शौक है। तो बाकी हैदर भाई से दोस्त से इजाजत लेते हैं। हैदर भाई आपके टाइम का, आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत ज्यादा शुक्रिया सर, खुश रहे जी। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।